जी बॉयज जी शॉप का माशाल्लाह सारा स्टॉक इनके पास आ चुका है। आपने ऑर्डर किया था ये यार। ओ माय गॉड, क्या प्राइस है इसकी? ये इसकी प्राइस है 70। ओ हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज बारिश तो ख़त्म हुई है शुक्र अल्लाह का। अब जाके गाड़ी दिलवाते हैं, और क्योंकि मैंने ख़ुद धोनी थी लेकिन मैं रही हिम्मत जवाब देगी है, कल मैं पूरा दिन बाइक धोता रहा हूँ। और अभी गाड़ी के अंदर कहाँ से बैठे यार, मैंने फुल जोड़ के लगा दी थी। बॉयज अभी तो हम निकल चुके हैं, और यार इतनी कोई गर्मी पड़ रही है ना, वो वाकई वही बात हुई कि बारिश के बाद जो मौसम हो रहा है ना, सही टका के गर्मी पड़ने वाला, वही सीन चल रहा है। एक यहाँ पर सुकून आया, ठंडी हवा मिलती है ना, मज़ा आ जाता है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको गाइड कर दूँ, शायद इससे काफ़ी लोगों के धंधे को अफेक्ट पहुँचे, लेकिन आपको मैं बता दूँ जितना हमने मशहूर किया हुआ है सिरेमिक कोटिंग को, वो उतनी ही बेकार चीज़ भी है। इसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग की सबसे महंगी वाली की मैगवायर की ठीक है ना, और उसका बेड़ा गर्क क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है कि जी सिर्फ केयर ना करने की वजह से ये देखें स्वेल मार्क्स कितने आ गए हैं। तो बेसिकली सीन ऐसा है कि अगर इस तरह की चीज़ अगर आप करवा भी रहे हैं तो गाड़ी की इतना केयर करनी पड़ती कि आप उसको इस्तेमाल ही ना करें, तो वो ये हिसाब हो जाता है ठीक है। मतलब कि आपने गाड़ी खड़ी करनी है, क्या कहते हैं, कपड़ा नहीं डालना ठीक है जी, सुबह निकालनी है तो या तो हवा मार के मिट्टी उड़ाएं या तो पानी मार के मिट्टी उड़ाएं ठीक है ना। तो मतलब कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, सिरेमिक कोटिंग मुझे समझ से बाहर है, सही बात है ना? हाँ यही है, ऐसा ही है। A few moments later, गाड़ी होगी हमारी वॉश, और अभी मैं कज़न की वर्कशॉप आया हूँ। इसमें ना ये मसला है कि जी गाड़ी वॉश करो ना उसके बाद थोड़ी सी ना मिसिंग करती है, वो मैंने दिखाने लाया हूँ, और लगता है कोई नई बला भी आई है, पूछते हैं कि शैम्पू ने किया है कमाल, साला गाड़ी बोलने लगा। काफ़ी दिन से आप लोग कह रहे थे यहाँ भी पेजेरो का क्या हो रहा है, क्या वो तो दिखाए ना। तो इसका जो सीन था ना ये हुआ है, इसका इंजन का अब हेड का काम किया ठीक है, और तीन चार दिन से मतलब चांद रात को ये गाड़ी आई थी और तब से ये लगे में, अभी ये गाड़ी स्टार्ट है, और अब इसकी इलेक्ट्रिशियन का काम है थोड़ा सा। अब ये हाईलैक्स आई हुई है, साहब क्या हाल है? मैं कहा आप मसरूफ़ थे, मैं इसलिए तंग नहीं किया। सुनाए जी क्या चल रहा है यार? इसके ना एयरबैग की लाइट आ रही थी। अच्छा, सेंसर वगैरह सारे हमने साफ किए हैं WD-40 से। ठीक है ठीक है, अब सारे सेंसर वगैरह नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि पानी में गई थी, पानी के बाद ये इशू बना। देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये एल बन गया। हाँ इसको एल बज गया। ये मतलब जाके बजा होगा जोर से, लगा ना स्पीड पे था। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, सारा शॉक सब कुछ आगे, चिमटा भी टेढ़ा हो गया था इसका। सारी लाइन सारी सीन की है, दोनों पेड़ डाला इसका ठीक है, चट डाला इसका, अभी जिंदा हो गया, टेढ़ा टूट गया था इसका, अब हो गया, अब हो गया। चलो जी मैं लेट आया हूँ। हो गया है, क्लियर हो गई, हाँ क्लियर होगी लाइट। ये देखें जी इंजन किस तरह शेक कर रहा है, ये यहाँ पे इशू करता है, लीड्स होती हैं इसके अंदर, पानी चला जाता है। मुझे तो इस पर शक है CDI यूनिट के, हमजा ने क्योंकि एक बार ये सेट किया था ठीक हो गई थी। कब किया था? नॉर्मल डेज में इस तरह काम की थी ना गाड़ी, वॉश कराने के बाद इशू आया ना ये। हाँ बट लेकिन ठीक हो जाती है, अब भी करवा गए। तो अभी ये पानी चला गया ना, तो जब कैसे होता है जब वो गर्म होता है तो वेपरेट बन के पानी उठ जाता है, ठीक है ठीक हो जाता है, तो अभी इसको वॉश करेंगे, प्लग साफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अभी स्मूथ हो जाएगा। अच्छा ये खाली इसका मसला है, पानी तो ये पानी जा क्यों रहा है इसके अंदर? ये रबड़ तो इतनी पुराने हैं, इसको सिलिकॉन से लगी हुई, सिंपल सेपरेट ऊपर रखी हुई है। हर गाड़ी में जाता है? नहीं अच्छा सर, पुरानी जब हार्ड हो जाती है तब पानी इस पर जाने के चांस ज़्यादा। अच्छा अच्छा रबड़ का मसला है। चले मैं बॉयज़ अभी हम निकलते हैं, और मुझे साहबी ने जो चीज़ बता दी मुझे समझ लग गई है, और अभी खुद ही ड्राई होगी तो खुद ही सही हो जाएगी, तो इसलिए मैं ना अभी खुलवा नहीं रहा, बड़ा टाइम लग गया ना। तो बहरहाल आपको भी इन्फॉर्मेशन देता, अगर आप इंटरेस्ट इसमें बिल्ड करते हैं तो बड़ी चीज़ें हम कर सकते हैं, आपको पूरा इंजन खोल के भी दिखा सकते हैं। चले मैं गाड़ी यहाँ से निकाल लूँ, रिवर्स देखना थोड़ा सा लिए मेरे लिए दिक्कत पेश आती है।
तो बॉयज अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और गाड़ी धुला के आया था ना गर्मी की वजह से बुरा हाल। अब मैं आपको एक एक्साइटिंग न्यूज़ देने लगा हूँ। मैं आज बाय करने जा रहा हूँ अपनी ड्रीम वॉच, और वो कौन सी है बस साथ रहिएगा। मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखा दें कि कोई शोखी शेखी पीना है कुछ भी नहीं है भाई, दिखाने दिखावा कुछ नहीं है, सिर्फ ये कंटेंट को कैरी ऑन रखने के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोग माशाल्लाह लिख देंगे तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, और अगर आपने भी कोई चीज़ परचेज़ करनी हो तो आप लोगों के लिए भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। तो साथ रहिएगा, इन्जॉय कीजिए। चेक करें जी, डिटेलिंग की थी कल मैंने, डीप डिटेलिंग, और माशाल्लाह कितना कोई लश पश कर रहा है बाइक, सुभान अल्लाह। ये टैंकी पे कंपाउंड, फिर उसके बाद सिरेमिक वैक्स, सब कुछ किया हुआ है। चेक करें, और मज़े की बात हूँ मेरे धोने के तरीके देखें ज़रा, नीचे फोटो है उसी तरह गंदा। तो बॉयज रेडी हो गया आपका भाई, अब हम बाइक को रेडी करेंगे। कपड़ा डाल दिए गाड़ी पे, चलो पहुंच के बताता हूँ आपको। बॉयज राजा बाजार पहुंच गए हैं, बाइक लग गया पार्किंग पे, और ये है वॉच हाउस। शक्ल पे मत जाना, अंदर बहुत है ख़ज़ाना, तो हमारे साथ रहना, आपको आएगा मज़ा। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या बात है जी, क्या हाल है जी, ठीक है, चलो चलो, क्या हाल है जी, हेलो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। किधर बिजी हो यार? इधर ही सर। यार आओ ना ज़रा ऊपर ख़ज़ाने में, इंसान बन जाए, जाओ भी आओ। उम्र है बस, ठीक है, अच्छा अच्छा, चेक करें जी, अब आपको हम दिखाएंगे वॉचेस। उमर भाई क्या हाल है, ठीक है? अच्छा जी, अभी हमें ना ये वॉचेस देख जो लेने आया हूँ वो दिखाता हूँ। चेक करें बॉयज, ये है अपने ड्रीम रैक, इसमें से हमने एक वॉच उठानी है, तो कौन सी उठानी है वो मैं आपको बताऊँगा। मेरे ख्याल से वो इधर लगी नहीं है, पूछते हैं किधर गई। एक टाइम था इस शॉप पे हमने इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी, धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन यूट्यूब को वो कीड़ा हुआ, उसने स्ट्राइक लगा दी हमारी वीडियो के ऊपर, और लिखा था कि आप कॉपी बेच रहे हो पता नहीं माल, इस तरह का कोई सीन था। तो मतलब कि इतनी कि D2 इधर सामान पड़ा हुआ है कि कंपनी वालों को ना मिर्चें लग गई, ठीक है ना, कि भाई हमारे साथ की मतलब कि कोई 40 करोड़ वाली, 2 करोड़ वाली, उसकी 30,000-20,000 में मिल रही है, तो उनको तो आग लगनी ही थी ना। तो खैर ये इनका मैं नंबर भी दे दूंगा, कोई भी इंटरनेट से पिक्चर निकाल के इनको सेंड करें, आपको सेम टू सेम वॉच निकाल के देंगे। और मैंने अपनी वॉच निकलवाई भी है, जितनी देर वो निकालते हैं उतनी देर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे नए मॉडल्स आए हैं और नेक्स्ट लेवल यार, इधर भी लगे हैं ये देखें। अब ये इस तरह के लगते हैं कि ये ना कोई बहुत ही फारिक्स हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं, और आजकल इनका ट्रेंड बहुत चल पड़ा है। आपने गोरों के हाथ में देखी होंगी, ये हमारे यहाँ पठान पहनते होते थे, पठान भाई, तो वो बेचते होते थे सॉरी, तो ये अब गोरों ने फैशन बना लिया, तो ये दोबारा से ट्रेंड शुरू हो गया। बट ये इतनी महंगी हुई हुई है, मैं आपको ना इसकी प्राइस कोड भी करूँगा, तो ये सीन देख सकते हैं। इसका स्पेशल रैक लगा हुआ, इधर भी रैक लगा हुआ, ये जिस तरह के देख सकते हैं। तो अगर आप सस्ते में ओरिजिनल जिप पे जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये कैसियो का रैक बहुत ज़बरदस्त है, और इसके अंदर अच्छी अच्छी जो है ना सीरीज़ भी मिल जाती है। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक है जी, ज़बरदस्त। जो मैंने कहा था वो रखी हुई साइड पे जी, वो आपको मैंने रात को ही आपने मैसेज कर दिया। हाँ, मैं रात को आपने पिक्चर्स अपलोड की, मैं कहा यार ये साइड पे कर दो, बस व्हाट्सएप पे लगाई हैं तो आपने देख लिया, तो मुझे आपने बोल दिया, तो ठीक है। तो ये देखें जी बॉयज, जी शॉप का माशाल्लाह सारा स्टॉक इनके पास आ चुका है। आपने ऑर्डर किया था ये यार, इसका वो शशका है ना, क्या बात है, ज़बरदस्त। इसमें और कलर भी आए हैं, इसमें जो दूसरा मॉडल है इससे महंगे वाला GM के अंदर, वो ये है, वो ये है, ये GM है, ये GM है जी। और बॉयज ये ओरिजिनल है, ये इसकी अभी तक REP अभी तक मार्केट में नहीं आई, ठीक है ना। ये नया मॉडल है, GMB दिखाता हूँ, GA700CY, ये लेटेस्ट मॉडल है। अच्छा, ये न्यू मॉडल आया,
ये GA7 उठ गया। अच्छा, इसकी फील ही लग गया यार। इसमें कोई ब्लूटूथ वाली भी आई थी ना? जी ब्लूटूथ भी आई है। उसमें मतलब नोटिफिकेशन हल्का सा आ जाता है या वाइब्रेट करती है मेरे ख्याल से। जी सर, वो ये चीज़ है, वो सबसे महंगा वाली घड़ी है। तो प्राइस भी बता देना उसकी। इसकी आप देख लें, मैं अब बता देता हूँ। अच्छा बता दें, तो इसकी महंगी है। चीज़ यार, चीज भी तो दिखने में भी तो मजे की है ना। इसका सीधा मुंह किधर है? ये रहा। बहुत खूबसूरत यार, बहुत ही प्यारी, माशाल्लाह। क्या प्राइस है इसकी? कौन सी? ये भी तो बंद पड़ी है। नहीं नहीं, ऑन है। अच्छा, ऑन है आपकी घड़ी? ऑन है। और ये वारंटी में है ना? हाँ, वारंटी में। ये 40,000 की है। 40,000 की, नॉट बैड। मतलब कि आप लोग, मैंने अदर इंटरनेट पर देखा, थोड़ी सी महंगी लगी मुझे। वो कह रहे थे ना ब्लूटूथ के जरिए, ब्लूटूथ वाली चाहिए, तो ये। तो ये ब्लूटूथ वाली नहीं थी? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लूटूथ वाली भी दिखा। ये है, इसका मॉडल नंबर होता है GA400GB। GA400GB जी, ये है ब्लूटूथ। ये देख लें भाई, पैकिंग इसकी चेक करें। अक्सर जो शौकीन है जी शॉक के, वो इस मॉडल को देख के समझ जाएंगे कि हाँ, ये ब्लूटूथ वाली है, क्लासिक वॉच है। अच्छा, ये घड़ी ऐसी है ना कि हर बंदे की रेंज में आ जाती है। कितने की है ये भी 40 की रेंज में है। किधर हर बंदे की रेंज में आएगी भाई? जो जी शॉक पहनने वाला है। हाँ, जी शॉक पहने। हाँ हाँ हाँ, जो PRG ले रहा है शुरू से ही, तो PRG की सीरियल वैसे ही 75,000 से शुरू होती है, उस लिहाज से उसके लिए ये 25-30,000 सस्ती घड़ी है। ठीक है। अच्छा, इसमें लाइट का क्या फंक्शन था? अच्छा, इसकी लाइट साइड से चलती है। ठीक है, बेहतरीन। और भी एक आध मॉडल दिखाएं जी। माशाल्लाह, रैक फुल भरा पड़ा है। जो आप डिज़ाइन कहेंगे इंटरनेट से, आप निकाल के इनसे पूछें, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे देता हूँ, और ट्रस्ट किए करके आप यहाँ से चीज़ परचेज करें। क्योंकि मैं, आपको पता है ना, मैं यहाँ पर धंधा कर चुका हूँ काफ़ी पहले, लेकिन वो सिर्फ यूट्यूब के रोले की वजह से मैंने अब वो काम करना ही छोड़ दिया था। मुझे डर था कि भाई चैनल ना उड़ जाए, तो इस वजह से मैंने वीडियोस अपलोड करना छोड़ दिए। ये इस तरह की जो आजकल आई हुई है, ये जो एक जो हमारे पठान भाई बेचते थे, तो ये कितने की है? वो तो आम नॉर्मल की है, तो ओरिजिनल ब्रांड है ना। हाँ, तो ये कितने की है? ये 5200 की है। अच्छा, 5500 रुपये की है ये? ये ओरिजिनल है। अब इसी के साथ की बहुत से लोग जो नॉर्मल काम करते हैं, हाँ, इसी की कॉपी राइट किया हुआ है, वो 1500-2000 में सेल कर रहे हैं, लेकिन वो जस्ट पहनने के लायक है, जैसे ही वो पानी के अंदर। ये तो अब तो ये फैशन चल पड़ा ना इसका। वो जो नलकी घड़ी है ना, वो जैसे ही लेके जाएंगे ना वजू वगैरह या हाथ मुंह धोएंगे, तो वो उससे पानी पड़ जाएगा। इसमें ये है कि ये पहन के गुसल करें, इसे नहाएं। मैंने आपसे कैसियो की ओरिजिनल ली है ना, तो 3 साल हो गए 2021 से, अभी तक सेल चल रहा है उसका। इसमें यही है, तो वो मेरे पास है इस तरह की पड़ी है क्रोनोग्राफ में, तो आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा, यहाँ पे भी मॉडल पड़ा होगा। तो उस टाइम मैंने 7,500 की ली थी, आज की कीमत में मेरे ख्याल से 12,000 या 14,000 तक की पहुँची हुई है वो भी। ये आप नीचे भी यूजर है ना, तो आपके सरार के ऊपर आया हूँ, तो अभी जो रात को सेंड की थी उसका सिल्वर केस था। हाँ, तो ये उसके अंदर गोल्डन केस है, गोल्ड क्लास। ओ माय गॉड, नाइस यार। क्या प्राइस है इसकी? ये इसकी प्राइस है 70। ओ, 70,000 रुपये की पड़ी है, रेंज से बाहर चली गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली ले लूँ, बॉयज़ पहन के दिखाता हूँ आपको। ये पकड़ने ज़रा, इसी की साइड यही है ना। तो इसका जो शशका है ना, इसमें आप जिस तरह की भी ड्रेसिंग हो उसके साथ आप इसको चला। बस ये घड़ी ऐसी है जी शॉक, जो एक दफ़ा इसे पहन ले फिर वो दूसरी घड़ी पे नहीं जाता। और इसकी वर्थ इतनी अच्छी है कि 10-12 साल तो पहले बैटरी नहीं डलती, दूसरी ये 10-12 साल जान नहीं छोड़ती। हाँ, किसी भाई को तोहफा दे दे वो एक अलग बात है। ये बेस्ट है, मतलब ये चीज़ अच्छी है। प्राइस रेंज मैंने आपको बता दी है, 33,000 की घड़ी है, और रिटेल इसकी वैसे तकरीबन 7-8,000 ऊपर होती है। तो ये बॉयज बहुत ज़बरदस्त। अगर आपको इनमें से कोई भी वॉच, ये जिस तरह की पड़ी है, क्योंकि मैं आज कैसियो की ये लेने आया था, मैं कहा चले कैसियो की दिखा दूँ, बाकी मैं दिखा नहीं सकता आपको। मैंने जिस तरह पहले अपनी मजबूरी बता चुका हूँ कि चैनल्स के पे ना ये स्ट्राइक वाला रोला आ गया था,
लेकिन इधर दुनिया जहान की ऐसा ही है। आपको कोई भी तस्वीर भेजें आप निकाल के देंगे। हाँ इंशाल्लाह। बस तो ये चीज़ है, तो ये आपके सामने है जी इस तरह की वॉच, और मज़ा आ गया देख के। बाकी आपने देख लिया जो भी, अगर आपने कोई भी परचेज़ करनी हो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। ये चिन्नल लाइन की घड़ी लगी हुई है कैसियो की। हाँ ये चिन्नल लाइन हम इसको बोलते हैं। अच्छा चिन्नल लाइन मतलब चिन्नल लाइन जिसकी रेंज 20,000 से अंदर है। ठीक है ये वो घड़ी है। इसी में से एक खरीदी हुई है ना मैंने। इसी में से जो कुछ लोग शादी पे लेके जाते हैं ना तो लड़के के लिए अच्छी घड़ी होती है। ये आ गई है लड़के के वालद के लिए, फिर इनमें से घड़ी ले लेते हैं। ये एक ये था डिजाइन, वो ये दिखा चुका हूं। अच्छा जो ठीक है ठीक है ठीक है वही है। कलर वही है सेम है। हाँ कलर सेम है। अच्छा कलर सेम है। सो बॉयज इसको फाइनल करते हैं और लेके निकलते हैं। 33,000 की आप लोगों को मिल जाएगी। इंटरनेट पे कहीं भी प्राइस पर चेक कर लें, अगर आपको ज़्यादा लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये देख लें ये मॉडल इसका, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। बॉयज़ ये दो कलर हैं और इनमें से एक सिलेक्ट करना है। इसमें ज़रा ये जो साइड में जो नंबरिंग वाली जगह पे ये ज़रा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कलर इसका ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो कौन से परचेज़ की जाए वो, खैर दिल तो इसी पे आया है। कलर और नहीं मिल सकता यार इस पे? इसमें सर दो ही कलर है। इसमें को दो और भी आते हैं भी आता, वाने वाने आता, वो भी शॉर्ट है। अभी ये कौन सा है? आर सी वाने। और वाने वन भी आता है? ये सर वाने टू आता है, वाने वन आता है और वाने आता है। अच्छा वाने वो भी ख़त्म हुआ है और वाने वन भी ख़त्म हुआ। अच्छा चलो वाने टू पढ़ा लो बस यार, ये लेके जाते हैं और अपना ड्रीम तो पूरा हुआ मेरा। ये घड़ी तो पैक कर दे यार। क्या होनी चाहिए पिक्स? अच्छा वो कर दूँगी। ये मैंने डब्बा रखा है, ये इसकी बुक है मेरे ख्याल से, और ये इसके अंदर ये पड़ावट, ये इसके अंदर वो नहीं है सर। आपको पूरी चीज़ें दूंगा, पूरी चीज़ें करके दो ना। ठीक है सर। ये इसका वो शॉपिंग बैग है, हैंड बैग भी सर देंगे इसका वाला। उसका वाला मुश्किल होगा कि मैं अपनी शॉप का दे दूँ आपको सर। हाँ दे दो यार कोई मसला नहीं। बॉयज हमने वॉच खरीद ली, दूसरी कौन सी नहीं यार ये खरीद ली ना, बस हो गया ना। ये बिल नीचे देना है जी सर। किसके? आपको देना सर। अच्छा चलो जी, डिसहार्ट मत होइए। आपको सस्ती वॉच भी चाहिए हो तो सस्ती भी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब 2,000 से लेकर आपको 2,00,000 तक की वॉच आराम से यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको कोई भी चाहिए हो ये देख सकते हैं, मैं आपको हल्की सी हाईलाइट दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से। आपको वो वाली भी चाहिए हो एपी वगैरह की, वो भी आपको मिल जाएंगी जैसा कि पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो बिना टेंशन लिए यहाँ से आप परचेज़ करें, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं बिज़नेस करता रहूँ पहले भी। तो काफ़ी लोगों ने सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करके यहाँ से चीज़ परचेज़ की है, और गारंटी भी होती है थोड़ी सी, अगर चीज़ ख़राब निकला है तो आपकी रिटर्न भी हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात ये है, और चेंज भी हो जाएगी, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अब यहाँ से कोई भी चीज़ परचेज़ करें, इजी ओके गुड एज न्यू, और बेस्ट सीन है। मेरा शॉपर दे दो यार। सर ये ठीक स्टिक की दे रहे भाई। स्टिंग स्टिक स्टिक। अच्छा वो ऐनक की वजह से कह रहे हैं। वो स्टिक मेरा बाइक है। ये देखा जी, ये 33,000 रुपये की शॉपिंग, किस तरह का शॉपर डाल के दिया। वो बारिश शुरू, ये क्या चक्कर हो गया? अच्छा रोड ही ऐसी है, मैं कहा शायद बारिश शुरू हो गई। प्रैंक हो गया मेरे साथ। चलो जी अब चलते हैं घर की तरफ, फिर आपको घर जाके वॉच दिखाते हैं। भाई ये ख़जाने हैं, ये राजा बाजार ना, इधर दुनिया जान की शह मिल जाती है आपको, ये चेक करें। तो खैर आप लोग देखते नहीं है वीडियो, मुझे दुखी करते हो, इसलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ। अल्लाह हाफिज़। अभी ना बड़ा बैड सीन हुआ, मैं दोबारा अंदर आया हूँ। मैंने कहा यार एक बार तो वॉच चेक कर लें, इतनी महंगी वॉच है तो ये ना हो, क्योंकि जल्दी जल्दी में कोई पार्ट ख़राब ना हो। अल्लाह की करनी सेम वही पार्ट हुआ, अंदर से वही 70,000 रुपये वाली वॉच निकली। मैंने कहा यार क्या कर रहा है भाई, मेरे तो लॉटरी लगने वाली थी। तो खैर वो लेकर आ रहे हैं, और देखें जी अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो हम वीक में एक वीडियो इस तरह की ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि मेरी एक हॉबी है। आप लोगों को भी अच्छा गाइड कर सकता हूँ वॉचेज़ के बारे में, उनको बहुत नॉलेज है, ठीक है ना। तो आपने पिछले ब्लॉग के अंदर भी देख लिया होगा कि मैंने किस तरह की वॉचेस आपको दिखाई थी, और मेरी ख्याल से वो ले आया। हाँ जी अब ठीक है ना। यस सर। अब पैक कर दिया डब्बा जी, वो बॉक्स भी ले आइएगा। बॉक्स भी मंगाया, और बाकी चीज़ें सर ये आपके लिए सर। ठीक है अब सही है जी सर।
फाइनली घर पहुंच चुके हैं और लाइक करने वाले को मिलेगी ये मिर्ची मसाला, तो जल्दी से लाइक करिए और अपने घर का एड्रेस भी लिख दीजिए, हम आपको ये पार्सल करने वाले हैं। फाइनली बॉयज घर आ चुके हैं और अब मैं आपको वॉच दिखाता हूँ, अब मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने जब भी लेनी है ये वॉच, ओरिजिनल वॉच का बॉक्स इस तरह का होता है कुछ, और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी लिखा होता है, ठीक है। अब इसको आपने खोलना है, इसके अंदर मेटल का कैन होगा, ये जी शॉक लिखा हुआ है इसके ऊपर। और दूसरी चीज़ इसके साथ क्या मिलती है जी, वारंटी कार्ड, इंटरनेशनल वारंटी कार्ड है, ये देख सकते हैं, उल्टा तो नहीं दिखा रहा, यस उल्टा दिखा रहा। फिर एक और चीज़ ओरिजिनल कॉपी की बात बता दूँ, ओरिजिनल के साथ यूज़र मैनुअल उसके साथ की आती है, जबकि अगर आप कॉपी लेंगे सबके अंदर एक जैसी ही बुक होगी, ठीक है। वॉच की तो दूर की बात है, पहले बुक में ही बता दी आपको। फिर इसके बाद ये इस तरह की पैकिंग में आएगी और ये रही हमारी जी शॉक। आय हाय हाय सुभान अल्लाह, चेक करें जी, तो बहुत ही प्यारी वॉच है, ठीक है, जिस तरह के देख सकते हैं, दिख रही है आपको सही तरह, ये देखें जी, तो बहुत ही लग्जरी है। और ये अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों बाय किया इस लड़के ने यार, इससे अच्छा कुछ और ले लेता क्या था भाई। बहरहाल इस मामले में आप ना बोलें, तो बस आप तारीफ़ करें या माशाल्लाह कहें। और मैं एक चीज़ सिंपल सी बात करूँगा, ये एक हॉबी होती है, ये एक बिज़नेस भी है, ठीक है ना। अब आपको पता है लीगो जो बच्चे खेलते हैं, ठीक है ना, वो एक प्रॉपर हॉबी है और वो बड़े भी खेलते हैं, उसके ऊपर लिखा आता है अंडर 18, 121, अंडर 27 जैसा इस तरह लिखा आता है, तो वो गेम है, ठीक है ना, तो वो भी एक ड्रीम होता है लोगों का, मतलब वो भी एक हॉबी है, तो वो इस तरह की चीज़ें लोग रखते हैं। और ये भी जी शॉक भी उसी में आती है एज अ कलेक्टर, और इसकी रीसेल भी उसी तरह की ही है, ये फ़ौरन बिकने वाली चीज़ है, और आप जिस तरह की देख सकते हैं दिखने में भी बहुत प्यारी है, तो ये चीज़ बिकती भी फ़ौरन है, ठीक है ना। ये चीज़ आप नोटिस में रखें कि इसका कैश बैक भी है, अगर मैं इसको रख लूँ पैक करके, अभी मैं इस्तेमाल ना करूँ, इसको मैं लगा दूँ फिर जब इंटरनेट पे फॉर सेल के लिए, तो ये अच्छी वैल्यू दे देगी, अभी जिस वैल्यू से लिए इससे अच्छी वैल्यू दे देगी। ये साल पहले 18,000 रुपये की थी, आज ये 33,000 रुपये की है, और अच्छी शॉप्स के ऊपर ये 37,000 से 38,000 रुपये की भी बिक रही है, ठीक है ना। तो ये सीन है, तो मैं इसलिए ये वॉच बाय की, मैंने कहा चलें थोड़ा शो भी पूरा, बाकी पैक क्योंकि मैं पहनता तो वो ये रेडमी का बैंड हो, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं पहनता। तो बहरहाल ये एक इन्वेस्टमेंट थी और ये काफ़ी मज़े की थी। बाकी यार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको वॉच, आपने कोई भी बाय करनी हो शॉप से जाके आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अपना चैनल रिस्क में डाल के मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि आगे देखें जी जो चीज़ आप लोगों को पसंद है मुझे भी वो रिस्क उठाने में कोई मसला पेश नहीं आएगा, तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी जारी रहेगी। लेकिन मैं ओरिजिनल वॉचेस की तरफ जाऊंगा, REP बहुत ज़्यादा है उधर वॉच, ठीक है ना, तो वो आप लोग देख लें, आपको अगर पसंद आती हैं तो आप लोग उनको कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते एक बात कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी बैड कमेंट बहुत आएंगे, इसका दिमाग ख़राब है, ये है वो है, तो मैं एक बात करूँगा, मेहनत कर हसद ना कर, ये उन लोगों के लिए, बाकी जिन्होंने तारीफ़ की, जिन्होंने माशाल्लाह लिखा है, और उनके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को भी और हमें भी मज़ीद कामयाब करें। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।